आप तो पूछो मत क्या हो चुके हैं। ये रहा खरदुंगला माइटी, वी आर एट 17,982 फीट की ऊंचाई पे। इतनी तेज स्नो हो रही है ना, मैं अपने हेलमेट का वाइजर तक नीचे कर रहा हूँ ना, तो उससे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, जिस कारण मुझे स्नो बियर करनी पड़ रही है। बट ठीक है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम एडवेंचर है जिसे मैं यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं। अभी रात के 8 बज रहे और अभी हमें 50 किलोमीटर और जाना है। दीदी लेके चलो, चेक करा दिखा दिखा इसकी प्लेट, दिखा इसकी प्लेट, दिखा इसकी प्लेट, दिखा इसकी प्लेट, दिखा ये देख ये देख। बहुत ज्यादा ही ठंडा है। ये दीदी को देखो कैसा देख रही है, भक्कम तरीके से फटके चार हो गई है सबकी यहाँ आने में। गाड़ी बंद कर दो अपनी सब कोई, वे गाड़ी बंद करो है? आगे जा रहे पानी मेरे बैग पे। दे मानसी इनको पानी निकाल के। बहुत तेज देख सकते चारों तरफ स्नो, चारों तरफ स्नो। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे बंदे वो जा चुके हैं। भक्काम भक्काम भैया, ये भावेश भाई की गाड़ी। भावेश भाई फुल ऑफ रोडिंग कर रहा है, आइस से गाड़ी निकाल रहा है, आइस से बोले अपन आइस चाइस के लिए। देखिए तुम्हारा भाई आइस भी डर रख रहा है, ये फ्रेश आइस है, फ्रेश आइस है। बट यू कैन सी व्हाट एन अमेजिंग व्यू। भावेश भाई चल के दिखाओ फ्रेश आइस में। हालत खराब हो रही है, बहुत डैशिंग है ये। अपने और बंदे आ रहा है, आराम से आइस से निकालो, आइस से निकालो। आप तो पूछो मत क्या हो चुके हैं। ये रहा खरदुंगला माइटी, वी आर एट 17,982 फीट की ऊंचाई पे विद स्नो। ये भक्ता देख सकते हैं गाइस, सपने पूरे कर रहे हैं। हाय भैया, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मैं बैंगलोर से स्टार्ट किया जर्नी। यस, और मैं स्टार्ट किया था 14 को। यस, सो 14 से अली मॉर्निंग स्टार्ट किया। अच्छा, 1000 किलोमीटर मारा नागपुर में, हॉल्ट किया 1000 किलोमीटर वन डे। ओके, स्टॉप किया। हाँ, फिर नागपुर से सुबह 5 बजे निकला। हाँ, मैं दिल्ली आया रात के 8:30 बजे। हाँ, तो वहाँ पे 1000 किलोमीटर किया मैंने। हुँ? तो 2000। हुँ? फिर दिल्ली में एक दिन ब्रेक लिया मैंने गाड़ी से। अच्छा, कौन सी गाड़ी से चल रहे हो आप? सर मैं डोमिनार। डोमिनार से, और सामान पूरा लेकर चल रहे हो? ये बस दो बैग में मेरा है। हाँ, हाँ, ये मेरा स्लीपिंग बैग है। अच्छा, ये मेरा टेंट है। ओके, और ये बैग में मेरा पूरा खाने का सामान। अच्छा, मेरा खुद का स्टोव। अच्छा, मैगी खाना वाना सब। आगे का प्लान कहाँ का है? तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा मैं नुब्रा वैली। अच्छा, नुब्रा वैली से एक्चुअली मैं सोचा चांगला पास जाने का। चांगला पास बिकॉज खरदुंगला इज अराउंड 17,300, चांगला इज 18,600। और फिर हाँ वहाँ तक तो प्लान है, अभी देखते हैं। इफ नॉट आई हेड टुवर्ड्स नुब्रा वैली, और मैं नुब्रा वैली में हॉल्ट करूँगा वहाँ से। और ब्लॉगिंग नहीं कर रहे सर? मैं ब्लॉग कुछ नहीं कर रहा, इट्स माय पैशन सेगमेंट पे मैं हूं। अच्छा, ओके, तो और क्या करते हैं आप मतलब फॉर अर्निंग? सो आई वर्क फॉर अ बैंकिंग सेक्टर। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर, ओके। नहीं मतलब आप अपने शौक के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन व्लॉग करना तो फिर भी एक अपन को क्या गोप्रो माउंट करना, जैसे मैंने भी नया नया चैनल स्टार्ट किया था। बुरा मत मानना, मैं एक बात बोलता हूं। यस, आप जैसे व्लॉगिंग स्टार्ट करोगे ना सर, आप अपने टाइम से ज्यादा आप बस कैमरा को टाइम दोगे। ओके, हां वो भी है। देखो मेरा टाइम लगा मुझे बस 1 घंटा आने में, आपको लगा होगा 2 घंटे आराम से। द रीजन इज यू स्टॉप ईच एंड एवरी प्लेस टू यस टू स्टार्ट व्लॉगिंग। हां, और मेरा ये है कि फॉर द टाइम आई स्टार्ट माय जर्नी आई हैव अ वेरी लेस टाइम। अच्छा, सो फ्रॉम बैंगलोर टू बैंगलोर आई विल हैव टू कंप्लीट How many days leave? मुझे बस 15 days का। अच्छा, 15 days का leave, तो ये From Bangalore to Bangalore मुझे 15 दिन में करना है। This is my 10th day, so next और solo. Solo, right? I like it यार। Thank you so much brother. Name तो बता दो। मेरा नाम है अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। बहुत कम लोग मिलते हैं जो ऐसे solo निकल जाएं। Yes,
हम लोग देखो 18 कॉलेज के ग्रुप लोग, वो तो मैं हम 18 के साथ है तो हमें फील हो रहा कैसा होता, और आप अकेले बेंगलोर से निकलना यहाँ तक आना, मतलब इंटरनेशनल राइड श्रीलंका, मतलब बेस्ट ऑफ लक यार, मतलब जो जो चाहो हो जाए बस, क्योंकि सोलो निकल रहे हो तो इतना ही बोल सकता हूँ। एक फोटो तो हो ही जाए भाई के साथ। अरे नम साइड यहाँ पे बस छोटा सा प्रमोशन करता हूँ मैं और कुछ। अच्छा ओके ओके सेजीज, ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच भाई, हमारे बेंगलोर जा रहे हैं तो मेरा जितने भी सब्सक्राइबर उनसे कहना कि भाई को जरूर सपोर्ट करें, बेस्ट ऑफ लक। भाई का इंस्टाग्राम आईडी ये लिखा हुआ, भाई को फॉलो भी करें क्योंकि नेक्स्ट मंथ भाई श्रीलंका राइड पे जाने वाला है, और दो महीने बाद, बस दो महीने बाद इंटरनेशनल राइड करने वाला भाई। आई लाइक द स्पिरिट ऑफ दिस मैन। नीला पास से भैया लोग की दुकान है, यहाँ से हम कावा पी रहे हैं गाइस, आप लोग भी आगे पी सकते हैं, बहुत ठंड, बहुत हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे आए कावा पिए, मीठा बिल्कुल मत पिए, मीठा बिल्कुल मत पिए। देखिए हम लोग सब कोई कावा, अरे दे रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है एक्चुअली में, कावा दे रहे हैं भैया, बहुत ज्यादा वो है, सब कावा पी रहे हैं सब, हम लोग बस कावा पी के निकल रहे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, खड़ा होना भी बेकार है, फटा फटाफट कावा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग चलने दो, ग्लव्स पहन लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको भक्कम तरीके से हमारे कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ एट अ प्योर आइस, प्योर आइस, प्योर आइस। ये देखो, ये देखो इतना आइस, इतना बहुत संभल के मुझे पैर रखना पड़ रहा है, इतना स्लिपरी है, स्टकी है, कुछ भी स्लिप हो सकता है, पता नहीं पुरानी आइस है, बहुत पुरानी आइस है गाइस, बहुत फ्रेश, जितना बोल रहा हूँ सांस फूल रही है, थक रहा हूँ, खावा पी लिया बस यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता, हद से ज़्यादा निगेटिव टेम्परेचर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे सर्वाइव करते हैं यहाँ पे, बस कुछ ऐसा है, यहाँ पे आए, मैंने दुकान आपको दिखा दी है, कावा वगैरह पिए और चलने दें, राइड का मज़ा उठाएं, भक्कम गाइस। गाइस सिर्फ आपको स्नोफॉल और यहाँ पे आइस का भव्य तरीका। अभी अपन कहाँ पे रुके थे, रिच लाइफ खारदुंगला पास से निकले हैं, यहाँ पे स्नो इतनी भयंकर जमी हुई है, और ऑफ रोडिंग पूछो मत, मतलब नेक्स्ट लेवल एडवेंचर जिसे कहते हैं ना, अपन तो बस गड्ढों से गाड़ी निकालेगा तुम्हारा भाई, भाई पूरा मतलब छा गया। जबकि हमारे साथ के एक दो लोगों को हमने साथ में इसुजू ही चलवाई है, तो उसमें जा रहे हैं, किसी लोग को सांस लेने प्रॉब्लम है, अभी सबको हमने ठीक करवाया। आप मेरे बोलने के तरीके से समझ रहे होंगे मेरी भी कितनी सांस चढ़ रही है, बट अपन तो एडवेंचर के लिए बने हैं तो वो करेंगे और करते ही रहेंगे। भक्कम, इतनी तेज स्नो हो रही है ना, मैं अपने हेलमेट का वाइजर तक नीचे कर रहा हूँ ना, तो उससे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, जिस कारण मुझे स्नो बियर करनी पड़ रही है, बट ठीक है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम एडवेंचर है जिसे मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। मुझे एक बंदा भी मिला रहा, मतलब लोगों को मानना पड़ेगा यार, बेंगलोर से आया था, ना यूट्यूबर था ना ब्लॉगर था, कुछ भी नहीं था, बस शौक के लिए ट्रैवल, सोलो निकल गया था डोमिनार लेके, बोला साथ में निकलो, दंद फंद रुकना धुकना अपन को नहीं पसंद, अपनी 15 दिन की छुट्टी, अपन पूरा घूम के आएंगे। बेंगलोर से बेचारा 15 दिन के लिए निकला है, ओ माय गॉड, कोई एकदम सफेद चादर लग रही है बर्फ की, जो स्नोफॉल हो रही है ना पूछो मत, बस ठीक है यार, यही सब तो करने आए हैं, हमारी हिमालयन हमारा बहुत साथ दे रही है, इसका नाम हम धन्नो रखते हैं। ये देखिए गाइस बर्फ में चलती हुई गाड़ी, मैं बहुत संभल के चला रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ आपको कोई सा भी इंटरेस्टिंग थंबनेल मिल जाए, वो भी मेरा ही मिल जाए,
बट आप यहाँ पे बर्फ की हाइट से अंदाजा लगा सकते हैं हम किस टेम्परेचर से गुजर रहे हैं। अभी सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर ही निकले हैं, बाकी सब वहीं पे रुके हुए हैं, सिर्फ हम दोनों हैं इस पासिस पे। जस्ट अमेजिंग, मतलब ऑफ रोडर का जो शौकीन है ना भाई, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ मैं आ जाओ, आँख बंद करके आ जाओ, बस तुम्हें कुछ सांस वांस की प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो जस्ट देख सकते हो ये फ्रेश स्नो है, ये स्लिपरी नहीं होती। ओ बाप रे बाप, क्या वाइट है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यहाँ पे हर वो व्यक्ति है जिसे एडवेंचर का शौक है। एक कार आ गई रे बाबा, निकलने की इसको भी जगह देता है तुम्हारा भाई कहीं ना कहीं से। यहाँ से बाहर निकलने का स्टॉप पुलिस चेक पोस्ट आ गया पुल्लू का, नॉर्थ पुल्लू चेक पोस्ट। यहाँ पे हमें रजिस्टर करना है, हम यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं पूरे घुटने पांव हाथ पांव सब। यून देखो एक बंदे ने तो हार मार ली, नॉर्थ पुल्लू हम पहुँच चुके हैं। एक बंदे ने हार मार ली, गाड़ी हमारे भैया से भिजवाई, ये नॉर्थ पुल्लू आ गए हैं। जॉर्ज पुल्लू okay. सबकी गाड़ी की नंबर और कांटेक्ट नंबर नोट किया जाएगा। ओके okay, ओके okay. इसके बाद अपन को आगे जाने को दिया जाएगा। ओपन एंट्री कर दें, स्टार्ट, बैठो गाइस। देखो देखते ही देखते इवनिंग हो गई और फिर हमारा ऑफ रोड आ गया। अब हम चेक पोस्ट से भी आगे आ गए, नुब्रा की तरफ जा रहे हैं। आधे लोग तो समझो टन बोल गए, डाउन हो गए। ये दीदी भर पता नहीं कहाँ से झेल गई, इनकी पूरी नाक लाल पड़ गई, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारी। सबकी लाल पड़ गई तेरी भी। मान गया स्पिरिट, मान गया आपकी घूमने की, ट्रैवलिंग स्पिरिट मान गया आपकी। रिच लाइफ यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है मदद करने वाला, तक कुछ हो जाए तो यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है, गाड़ी को कुछ हो जाए, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी हमें 50 किलोमीटर और जाना है। दीदी लेके चलो 50 किलोमीटर और, हाँ चलो। आज का हमारा एप्पल कॉटेज में स्टे है, जो कि जंगलों के बीच में बना हुआ है और भक्कम रूम है। ये देखिए तेरा रूम, और हमारा बाबा जी स्टे करेंगे। चैनल दिस इज़ आर थर्ड डे एट नुब्रा वैली। आज हमें पेंगोंग के लिए निकलना था बट कल कुछ खतरनाक की वजह से कारण आज हम नहीं जा पाए। मैं आज आपको अपना मॉर्निंग कॉटेज का व्यू दिखाता हूँ। कुछ इस तरह है हमारा कॉटेज, वहाँ पे है वॉशरूम। अच्छा ये पूरा मेस्ड अप हो गया, ये बैग वगैरह पड़े हैं,
देख सकते हो पूरा फैला दिया है बीवाई ने, कचड़ा कर दिया, बोला अपने बाप का है। ऐसा कुछ यहाँ का भव्य व्यू है। और ये बैठने के लिए मैंने, अपन यहाँ बैठ कर डिस्कस करते हैं आज। जब तक व्यू को एंजॉय कीजिए। वो देखिए वहाँ पे बाकायदा लेटने का बना हुआ है, लोग चल कर रहे हैं अपने ग्रुप के बंदे। एक्चुअली मैं कल बहुत सारे लोगों की सांस फूलने लगी थी, जिसके कारण हमने अपनी सेफ्टी वैन ने बैठाया था और ऑक्सीजन तक प्रोवाइड करवाया था खारदुंगला पे, क्योंकि खारदुंगला पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। बहुत रिस्की डेटा, कैसे हम लौटेंगे हम जानते हैं। हमें तो कुछ नहीं हुआ बट सारी लड़कियों को तकलीफ थी एक्सेप्ट वन। तो अब देखिए क्या होता है। बट हमारा दो दिन का पैंगोंग में स्टे होता है, वो भी लेक किनारे लेक साइड पे। अभी तो हम आज यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अपना। गाइस देखिए बढ़िया, यहाँ पे बैठो और सिर्फ पहाड़ों को निहारते रहो। मॉर्निंग भी चलो, यहाँ बहुत सारे कॉटेज हैं। एक्चुअली ये वाला कॉटेज हमारा है, ये वाला मेरी सिस्टर का है, उसमें भी बैठा हूँ। बट ये वाले सब बहुत सीनिक व्यू है, जस्ट आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। कैंप साइट दिखाता हूँ अपने, यहाँ पे सेटिंग एरिया बना हुआ है, किसी को बैठ के चल करना हो वहाँ पे कुछ बना हुआ है। ये माउंटेन्स का शानदार नजारा है ना, अमेजिंग। एप्पल कॉटेज है नुब्रा वैली पे। यहाँ पे एक्चुअली हमने स्टे लिया था, यहाँ से गैलेक्सी दिखती है, लोग ऐसा कहते हैं तो गैलेक्सी देखने के लिए। बट कल क्लाउडी वेदर था, बारिश में हम सब भीगे भी हैं, तबीयत भी खराब थी। गैलेक्सी के नाम पर कुछ नहीं दिखा घंटा। एक दिन का श्रेय नुब्रा पे बढ़ाया है, पैंगोंग का एक दिन का कम किया है। लेट्स सी क्या होता है। वहाँ की सारी बुकिंग हमारी अब बर्बाद जाएंगी, यहाँ पर नई बुकिंग ले रहे हैं। ये तो भक्कम तरीके का रूम करके रखी है ये। अभी इनका घर होता ना तो बिल्कुल समेट के सजा के सब अच्छे से रखती हैं। जूते पड़े हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं ब्रश फेंक दिए। ये खड़ी गंदी, ये देखिए हैंडसम मैन, या जहाँ जाते हैं तैयार होके जाते हैं। व्हाइट वाले जूते पहने लाए हो। ये हमारे कॉटेज का भक्कम व्यू है। एक ही बंदा तैयार होके आया हमारे साथ, बाकी सब वहाँ पहुंच गए और ये 9 बजे नाश्ता बंद कर देंगे। लोग सब ब्रश करके भाग रहे हैं नाश्ते के लिए, छूटना नहीं चाहिए, भक्कम पैसे दिए। सुबह सुबह देखो तैयार होके आए हो, तुम्हारे जैसे बंदे छी 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 भक्कम कर देते हैं। इडली की महक आ गई है, भक्कम ताली। ये चाय रखी भाई, पराठे भी। यार बस करो, अरे भक्कम कितना खा रहे हो, दो एक बार ले लिए फिर उठ के आ गए, बस करो यार कम से कम। ये इसमें रखो यार, सीधा कोई ले जाएगा नहीं तो इसमें रख दो दोनों दोनों। ये ऑमलेट मिल गया अपन को, ब्रेड अपन लेते हैं, आलू पराठा लेते हैं, अभी आ गया गरम गरम कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड, ऑमलेट अपन ने ले लिया भक्कम। आलू पराठा आ गया गरम, ऐसा तुम तो बस करो यार, कैसा खा रहे हो खाने तो यार। अरे यार मतलब रूम क्या लिए, तुम तो पागल की हो यार, पूरा कवर अप कर रहे हो। ये देखो भक्कम टाइप का नाश्ता लगा के आई है ये लड़की। ये इतना कौन खाता है यार, क्यों क्यों ए क्यों ए क्यों, इतना कौन खाता है यार, थोड़ा कम तो लेती। यहाँ तक पहले प्लेट ही नहीं है, कहाँ है, चेक करा दिखा दिखा इसकी प्लेट, दिखा इसकी प्लेट, दिखा दिखा।
छुपा के रखी थी, छुपा के रखी थी। देखो एक खाली मैं वीडियो बना रहा था तो ये छुपा दी। क्या यार दीदी, यार कुछ तो वो करती। मतलब चौथा बार जा रहा है ये राम। कवर कर रही, कवर कर रही है। मैं भक्कम खा रही यार ये तो। भाई गर्म पानी के लिए अनुज भैया हमारा बहुत सारा साथ दे रहे हैं। सचिन भैया के देखो कैसा, ये देखो कैसा है, कैसे देखो, ये देखो कॉटेज बुक किया सब किया लेकिन समय पे उठना ही नहीं है इनको, राजनीति चढ़ी है। ये तो अनुज भाई ना होते अपने यदि तो फिर तो आज कल्याण हो जाता भाई का। अपन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो दीदी पैसा दो या मेहनत करो। तो भैया बंद हो गए उधर तो आने। वहां पे खोले हैं तो वहां बंद हो गए। अरे यारो सबके में गाइस बडीज ट्रैवल का लोगो लगा दिया गया है, ये देख सकते हो। ए इनके में लगाओ, इनका रह गया। ये भैया भाग रहे हैं बिना लगा। लगाना पड़ेगा दीदी, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे। पेट प्रमोशन ले लेना, पेट प्रमोशन रहेगा सबका, पेट रहेगा। ये देखो देवेंद्र भैया फुल सपोर्ट कर रहे हैं टेपिंग करने में। ये भैया लोगों से हमने बाइक रेंट पे ली। भैया आपका नाम? फैजल। और भैया आपका? मेरा नाम जावेद। और भैया अपनी दुकान पे आना हो तो क्या एड्रेस वगैरह है? ये आपका ऑल रोड और कंपनी का नाम लद्दाख हिमालयन एक्सप्रेस। और भैया आप अपना एक बार नंबर बोल दो, फोन नंबर। 8082334460। ठीक है, भैया ने नंबर बोल दिया। एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में ही भैया का नंबर डाल दूंगा और लोकेशन भी डाल दूंगा। ठीक है, जब भी आए तो यहाँ पे भैया को हमारा नाम बता के आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा भैया, बिल्कुल डिस्काउंट देंगे। और भैया से ही गाड़ी लें, भैया मतलब हमने भैया ने हमें कितना सपोर्ट किया है वो मैं जरूर आपको लोगों को बताऊंगा। अभी हमें थोड़ा जल्दी है, हम आगे की बात आगे कल के करते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए भैया हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। भैया की गाड़ी पे भी लग गया है ये, सब कोई बड़ी ट्रैवल पे लगे हुए हैं। अरे भाई, अरे हाँ, और यदि एप्पल कॉटेज बुक करें मैं भैया का नंबर डाल दूंगा, जिसको भी आना हो भैया से इस पे भी कांटेक्ट करें, जिसको लद्दाख ट्रिप से रिलेटेड इश्यू हो। फाइनली अपना डे 3 स्टार्ट हो चुका है। अभी हम थे एप्पल कॉटेज पे, हम वहीं पे रूम बुक करना चाहते थे बट एप्पल कॉटेज वाला बहुत चार्ज कर रहा था क्योंकि आज हमारा पैंगोंग का प्लान था बट कल इतनी सारी प्रॉब्लम हुई जिसके कारण आज हमें पैंगोंग कैंसिल करना पड़ा। कल हम पैंगोंग के लिए भागेंगे, आज हम नुब्रा एक्सप्लोर कर रहे हैं। डेट्स हमने एक अदर कॉटेज पर बात करी, वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा था सिंगल रूम का क्योंकि हम सडन बुक कर रहे थे। ये देखिए गाइस, हमने सब गाड़ियों पे बड़ी ट्रैवल का लगा दिया, ये सब कोई खड़े हुए हैं। क्यों दीदी, ये देखो ये बिंदा शर्मा जैसा चश्मा खरीद के लाई है, इसे वो ही बनना था। ये भैया गाड़ी चला भी लो ना, सिर्फ फोटो ही फोटो खींचोगे क्या? गाड़ी भी चलाएंगे यार, चलाओ ना तो यार, ये रोड बहुत खराब है, इसमें नहीं हो पाएगा। एक बार चेक कराओ पैर हो रहा पूजा रखी नहीं। उठाओ उठाओ गाड़ी, उठाओ 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 उठाओ, चला लोगे ना मतलब। सब गाड़ियों में बड़ी ट्रैवल का लगाया हुआ गाइस हमने, और हमने भैया से सेटिंग करके गाड़ी पे भी लगवा दी। भैया बहुत प्यारे हैं, बहुत, जब भी आप आए गाड़ी बुक करें। अभी हमारे पास और भी पैम्पलेट्स पड़े हुए हैं, खराब होते जाएंगे चिपकाते जाएंगे। आज शायद हमारा इस कॉटेज पे स्टे, मतलब ये तो ऐसी बना हुआ इनका रिसेप्शन होगा, कॉटेज हमारा वैसे ही होगा जैसा लास्ट टाइम था। लेट्स सी क्या होता है।